फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, वाइस प्रेसिडेंट अवार्डी, और आज आप और मैं सॉल्व कर रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल का टॉप ग्रेड प्रॉब्लम। देखिएगा, प्रॉब्लम देखने से ही आपको समझ में आ गया जेई का एक नंबर प्रॉब्लम है। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए और इसके जैसे कई इंटीग्रल्स इंटीग्रेट करने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए आखिरी तक। तो x टू द पावर इसमें से 1 कॉमन ले लीजिए, अगर x टू द पावर 1 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3m माइनस 1, x टू द पावर 2m माइनस 1 प्लस x टू द पावर m माइनस 1, और नेक्स्ट ब्रैकेट विल रिमेन एज इट इज। ये वैसा कि वैसा ही रहेगा, इसमें नो चेंज एट ऑल, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। 1 बाय m dx। अब आप सुनिए, अब ट्रिक क्या कहती है कि अब इससे देखिए, ये ध्यान से सुनिए, x इससे ले जाके इसमें डालना है। तो इसमें ले जाके इसमें डालने के लिए क्या करेंगे, x टू द पावर 3m माइनस 1 नो चेंज, 2m माइनस 1 नो चेंज, x टू द पावर m माइनस 1 नो चेंज, और x इसके अंदर डालना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इसकी पावर क्या है, 1 बाय m है। तो x को यहां लिख दिया, लेकिन 1 बाय m पावर के अंदर डालना है तो पहले इसको लिखना पड़ेगा x टू द पावर m होल टू द पावर 1 बाय m, 2x टू द पावर 2m प्लस 3x टू द पावर m प्लस 6x टू द होल टू द पावर 1 बाय m dx। अब आप x टू द पावर m को इसमें अंदर डाल सकते हैं, तो अंदर डालेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x टू द पावर, लिख दूं मैं सिस्टमेटिकली लिख देता हूं, x टू द पावर m, 2x टू द पावर 2m, 3x टू द पावर m प्लस 6 होल टू द पावर 1 बाय m dx। और ये देखिएगा इंटीग्रल, x टू द पावर 3m माइनस 1, x टू द पावर 2m माइनस 1, x टू द पावर m माइनस 1। अब इसे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2x टू द पावर 2m इंटू दिस, तो 2 इंटू x टू द पावर 3m प्लस 3 इंटू x टू द पावर 2m प्लस 6 इंटू x टू द पावर m और होल टू द पावर 1 अपॉन m dx। और ये वाला जो है इंटीग्रल x टू द पावर 3m माइनस 1 x टू द पावर 2m माइनस 1 x टू द पावर m माइनस 1 एज इट इज। अब क्या करना है, तो अब हमको सब्स्टिट्यूट करना है, t इज इक्वल टू 2x टू द पावर 3m प्लस 3x टू द पावर 2m प्लस 6x टू द पावर m, और अब डिफरेंशिएट करेंगे dt बाय dx। तो 2 बार 3x टू द पावर 3m का 3m x टू द पावर 3m माइनस 1 प्लस 3 बाहर x टू द पावर 2m का 2m x टू द पावर 2m माइनस 1 प्लस 6 बाहर mx m माइनस 1। अब देखिए सब में दोस्तों क्या आ रहा है, 2 इंटू 3m 6m 6m 6m, तो आप 6m कॉमन ले लें और dt के नीचे भेज दें, तो dt अपॉन 6m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x टू द पावर 3m माइनस 1 x टू द पावर 2m माइनस 1 और x टू द पावर m माइनस 1 और dx यहां भेज दें। तो देखिए क्या हुआ आपके पास, यहां से लेकर के यहां तक का पूरा पोर्शन क्या बन गया आपका, dt अपॉन 6m, और ये बन गया t टू द पावर 1 बाय m। मान लेते हैं इस इंटीग्रल को i, तो i इज इक्वल टू, तो देयरफॉर द i इज इक्वल टू, इसलिए i की वैल्यू क्या हो गई, i की वैल्यू हो जाएगी t टू द पावर 1 बाय m dt बाय 6m। आप 1 बाय 6m कॉमन ले ले और t टू द पावर 1 बाय m का इंटीग्रल कर दे, t टू द पावर 1 बाय m प्लस 1 अपॉन 1 बाय m प्लस 1 प्लस एन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 अपॉन 6m इंटू टी टू द पावर एम प्लस 1 अपॉन m, और ये हो जाएगा आपका m प्लस 1 अपॉन m, m m कैंसिल, 1 अपॉन 6 m प्लस 1 इंटू टी, टी क्या है, तो टी देख लीजिए आपके पास, टी आपने क्या लिखा था,
टी लिखा था इसको, 2x to the power 3m, 2x to the power 3m प्लस 3x to the power 2m प्लस 6x to the power m होल टू द पावर m प्लस 1/m। तो ये था इसका इंटीग्रल प्लस सी। तो दोस्तों ये एक बहुत ही टॉप क्लास प्रॉब्लम था, आपको ये कैसा लगे मुझे जरूर लिखिएगा। और इस टाइप की और भी प्रॉब्लम्स जो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की हैं वो आप मुझसे शेयर जरूर करिए। इसी टाइप के और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एक प्रॉब्लम मैं और आपसे शेयर करता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 2 है, 1/x² x^4+1 3/4। देखिए इसमें क्या कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन लेते हैं हम x^4+1 में से x^4 को कॉमन लेते हैं, तो x^4 कॉमन लेंगे तो देखना क्या हो जाएगा। ये तो ये हो जाएगा आपके पास 1/x² x^4 कॉमन लेंगे आप तो ये हो जाएगा 1+1/x^4^3/4। तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका x^2 x^4^3/4। ये इससे कैंसिल हो गया, 1+1/x^4^3/4 dx। ये हो गया आपका 1/x^5 1+1/x^4^3/4 dx। अब आप 1+1/x^4 को क्या रख दें, डी रख दें, तो आपका इंटीग्रल आसानी से हो जाएगा। तो अब हम रखते हैं 1+1/x^4 को टी से इक्वेट कर देते हैं, 1+1/x^4 को टी से इक्वेट कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो dt/dx 1 का 0 और इसका हो जाएगा -4/x^5। ये नोट कर ले एक फॉर्मूला, मैं आपको बहुत अच्छा एडवाइस कर रहा हूं। ddx ऑफ 1/x^m इज -n/x^n+1। कीप दिस इन माइंड, इसको ध्यान रख ले आप, डायरेक्ट इस टाइप के फॉर्मूले डिफरेंशिएशन में लगा सकेंगे। तो हो जाएगा आपका dt/-4 और इधर हो जाएगा dx/x^5। dx/x^5 किसके एलिमिनेट हो जाएगा आपका, dx/x^5 एलिमिनेट हो जाएगा dt/-4 से, अपॉन में आ जाएगा t^3/4 -1/4 बाहर, t^3/4 ऊपर। अब उसका इंटीग्रल t^-3/4 +1 अपॉन -3/4+1 -3/4+1 1/4 होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा -t^1/4+c। अब t का वैल्यू रख दें आप, -1+1/x^4^1/4+c। तो ये देखा आपने कि उस टेक्निक से ही जुड़ी हुई टेक्निक्स पे बेस्ड क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, 1984 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, 2015 में भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन 2015-1984 तो थोड़ी पुरानी बात हो गई, तो ये क्वेश्चन था 2015 पे जो आपने देखा, और बहुत ही धांसू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसी